हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। ये जो आप देख रहे हैं, इनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे इष्ट देव हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे प्रभु श्री विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज हैं। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ मुख्य द्वार पे गणेश जी कैसे लगाएं। तो ये देख लीजिए आप गणेश जी, ये 22 ऊन वाले गणेश जी हैं। 22 ऊन वाले जो गणेश जी होते हैं, घर में रखना मुख्य, विशेष रूप से जो मुख्य द्वार होता है उस पे रखना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर रिद्धि सिद्धि माता की पिक्चर है या मूर्ति है साथ में तो भी बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन घर में जब आप मुख्य द्वार पर गणपति बप्पा लगाते हैं तो घर के अंदर की तरफ उनकी पीठ हो जाती है, तो उनके पीठ के जो पीछे मतलब घर के अंदर की तरफ मुख करते हुए भी एक गणपति आपको इसी प्रकार से लगा लेने चाहिए। तो इससे संपूर्ण वास्तु दोषों का निवारण होता है। अभी मैंने एक वीडियो में वास्तु दोष निवारक यंत्र के बारे में बताया, वो भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। इसके अलावा भगवान श्री गणेश जी की ये जो तस्वीर है, ये जो मूर्ति है, छोटी सी पिक्चर है, ये हर कहीं मिल जाती है। आप कोई सी भी लाकर लगाइए। 22 ऊन वाले गणेश जी शुभ होते हैं मुख्य द्वार पर, तो आप उनको लगाइए। घर के भीतर की तरफ आप 30 ऊन वाले गणेश जी भी लगा सकते हैं। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।